शंभु महादेव हरे शंभु 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 महादेव शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेव शंभु 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयान विंद भवम भवानी सहितम नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र एवरीवन, अब मैं आपको लेकर आई हूँ गंगा दर्शन के बाद परमार्थ आश्रम दिखाने। तो चलिए इसका इनसाइड व्यू हम चेक करेंगे कि कैसा है। मैं कभी अंदर नहीं गई हूँ आश्रम के, तो वैसे तो यहाँ पे रूम्स की स्टे करने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो आगे की डिटेल्स मैं आपको आगे इस वीडियो में दूंगी, लेकिन अभी पहले इनसाइड इसका व्यू देख लेते हैं कि कैसा है। ठीक है, तो मैं अंदर एंटर हो चुकी हूँ, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश में स्थित है। यह हिमालय की गोद में गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना सन 1942 में संत सुके देवानंद जी महाराज जी ने की थी। 1986 में स्वामी चिदानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं आध्यात्मिक मुखिया हैं। इस आश्रम में गंगा जी की होने वाली शाम की आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए हर साल देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। यहाँ पर बच्चों को वैदिक और पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ वेद का अध्ययन भी कराया जाता है। इस स्थान पर पहले भगवान शिव की एक दूसरी प्रतिमा स्थापित की गई थी, लेकिन जून 2013 में आई प्राकृतिक आपदा में गंगा जी का लेवल इतना बढ़ गया था कि उस बहाव में भगवान शिव की प्रतिमा भी बह गई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर भगवान शिव की एक दूसरी विशाल प्रतिमा को आधुनिक तरीके से और मजबूती के साथ बनाया गया है और इस प्रतिमा को वर्तमान समय में इस आश्रम में देखा जा सकता है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। परमार्थ निकेतन आश्रम में बने भगवान शिव की प्रतिमा को गंगा नदी के बीच में बनाया गया था, जिसकी वजह से श्रद्धालु लोग इस प्रतिमा के पास नहीं पहुंच पाते थे। पहले वाली प्रतिमा की बात कर रही हूं मैं, इसलिए इस प्रतिमा के पास जाने के लिए एक छोटा सा पुल बनाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को इस प्रतिमा का दर्शन और पूजा करने में आसानी हो सके। जिस तरह हरिद्वार में गंगा जी की आरती ब्रह्मकुंड घाट के हर की पौड़ी में होती है, उसी तरह गंगा जी की आरती परमार्थ निकेतन आश्रम में होती है। ये एक ऐसा आश्रम है जहाँ पे निशुल्क योगासन सिखाया जाता है। अगर आप किसी और जगह से बिलोंग करते हैं तो यहाँ रेंट पर रूम लेकर फ्री में योगासन सीख सकते हैं। इस आश्रम में अनुशासन में रहने, लोगों से अच्छे तरीके से बातचीत करने, वैदिक और पारंपरिक शिक्षा देने के साथ साथ वेद का अध्ययन भी कराया जाता है, जिसे यहाँ आने के बाद आप सीख सकते हैं। अगर आप आश्रम के अंदर घूमना चाहते हैं, फोटो वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, तो किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका कोई भी शुल्क आपको देना नहीं पड़ता है। अगर आप इस आश्रम में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर कम से कम 1000 कमरे दिए गए हैं तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए, तो इसलिए आप इसकी बुकिंग जो है वो ऑनलाइन करा सकते हैं। बाकी की जानकारी आप वीडियो में आगे देखेंगे।
अगर आप आश्रम में रहकर भोजन ग्रहण करना चाहते हैं तो आश्रम के अंदर कैंटीन भी है जो कि बहुत बढ़िया आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे खाने के जो चार्जेस है ना वो बहुत ही नॉमिनल है, जिसमें आपको प्योर सात्विक खाना खाने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप बोर्ड पर नजर डाल सकते हो। हरे कृष्णा दोस्तों, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप परमार्थ आश्रम में स्टे करना चाहते हो, रुकना चाहते हो, तो यहाँ ठहरने के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी होती है। आप अगर सोचे कि आप यहाँ पर ऑफलाइन बुकिंग करा लेंगे तो ऑफलाइन बुकिंग का ऑप्शन ही परमार्थ आश्रम में नहीं होता है। यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू ही आप अपना रूम बुक कर सकते हैं। रूम बुकिंग के जो चार्जेस हैं वो है 600 से रूम का जो चार्ज है वो स्टार्ट हो जाता है, और 2500 रुपये तक आप अपना रूम ले सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं, जैसे कि जो 600 वाला है या 1000 वाला है या फिर 1500 वाला है, 1800 वाला है, तो इस तरह के यहाँ पे ब्लॉक्स बनाए गए हैं, तो अलग अलग रूम के कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे गंगा फेसिंग व्यू जिसमें गंगा व्यू होगा वो रूम आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, आई थिंक वो 2500 के 2000 के आसपास पड़ेगा, ठीक है। आप उसमें नॉर्मल रूम लेना चाहते हैं तो नॉर्मल रूम जो है उसका चार्जेस 600 रुपीज़ है। तो इस तरह की कैटेगरी यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे स्टे करते हैं तो स्टे करने के बाद यहाँ पर जैसे गार्डन वगैरह दिया गया है, तो यहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, तो यहाँ पे योगा क्लासेस भी चलती हैं। तो आप तो यहाँ पर ज़्यादातर आश्रम की जो पॉलिसीज़ होती हैं ना उसमें यह सिंगल पर्सन को नहीं रोकने देते हैं, नहीं ठहरने देते हैं, वो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंगल हो तो आपको नहीं ठहरने देंगे। लेकिन जैसे कि परमार्थ आश्रम का मैं बता दूँ, तो यहाँ पे अभी मैंने पता किया था तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप सिंगल पर्सन भी रुक सकते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन बुकिंग ही करना होगा। अगर आप मेडिटेशन के लिए आना चाहते हो या थोड़ा नेचर के बीच में रहना चाहते हो, आप सत्संग वगैरह सुनने में इंटरेस्टेड हो, सत्संग सुनना चाहते हो, शांति महसूस करना चाहते हो, तो आपके लिए आश्रम में रुकने का बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गीता भवन, इस तरह के बहुत सारे आश्रम हैं, परमार्थ आश्रम बहुत पुराना आश्रम है, स्वर्ग आश्रम बहुत पुराना आश्रम है यहाँ पर। तो ये सारे ना आपको राम झूला जब आप क्रॉस करोगे तो राम झूला क्रॉस करने के बाद ही आपको ये आश्रम पड़ते हैं। और यहाँ आने के लिए अगर आप शॉर्टकट से आना चाहते हो तो आप जानकी पुल क्रॉस करके आ सकते हो, तो आपको परमार्थ आश्रम बहुत पास पड़ेगा, ठीक है। लेकिन राम झूला से परमार्थ आश्रम बहुत दूर पड़ता है, तो आपको बहुत ज़्यादा वॉक करना होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पूरा आश्रम आपको दिखा दिया कि अंदर से कैसा है। ग्रीनरी है चारों तरफ, देखो जहाँ भी आप देखोगे, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो मेडिटेशन करने के लिए और यहाँ पे कुछ वक्त बिताने के लिए, भगवान की भक्ति में लीन रहने के लिए आश्रम इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू स्टे। आप सत्संग वगैरह सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे समय समय पर सत्संग होते रहते हैं, भगवद गीता होती रहती है, वाल्मीकि रामायण पाठ होता रहता है, रामचरितमानस का पाठ होता रहता है, तो इस तरह के समय समय पर यहाँ पर होते रहते हैं। अगर आप मेरी तरह आध्यात्मिक हैं और आपको भी इन सब चीज़ों का हिस्सा बनना अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं, और गंगा किनारे बैठकर आप ध्यान लगा सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं ऋषिकेश आने के।